आज आप बताइए, दिल पे हाथ रख करके पूछिए कि पूरे हिंदुस्तान में, अभी उत्तर प्रदेश की अगर बात करिए, तो कौन सा ऐसा नेता है जो सच बोलता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा हमको लगता है कोई सच नहीं बोलता। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक लौता ऐसा लीडर नहीं है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए काम कर रहा हो, जो दबे कुचली माइनॉरिटी है उनकी आवाज को उठाने के लिए बात कर रहा हो, कोई ऐसा लीडर नहीं है। ये जो 7% वाले, 3% वाले, 11% वाले, ये लोग अपने लोगों को मजबूत करते हैं, फिर हमको आपको इनके पास जाना पड़ता है टिकट लेने के लिए, और हम देखते हैं कि ये फला सीट पे कितने हैं, इस सीट पे ये इतने हैं, तो हम यहाँ मेहनत करेंगे, इनका वोट तो मिलना ही मिलना है, हमारी सीट निकल जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। और हम कितने हैं? हम हैं 21%। क्यों नहीं हम अपनी एक पार्टी बनाते हैं? क्यों नहीं हम एक छत के अंदर आते हैं कि वो हमारे पास आए, हमारे पास आकर के देखें कि यहां इस जगह पर मुसलमान इतना है, मुसलमानों का वोट इस पार्टी को मिलेगा और मैं विधायक बन जाऊंगा। यूपी में अगर आप इकट्ठा हो गए तो आपके बिना सरकार नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है। और ये चाहे जितना सर पटके, ये चीज सर्वे कहता है कि बीजेपी को न मुसलमान जिता सकता है न मुसलमान हरा सकता है, जब तक के उनके खुद के लोग उन्हें नहीं हराते। बीजेपी का यह हाल है, जब तक कि उनके खुद के लोग नहीं एहसास कर लेंगे कि पूरे देश को बेचे डाल रहे हैं, हमें सरकार बदलनी पड़ेगी, तब तक के बीजेपी नहीं जा सकती। के फर्जंद बड़े वाले आपके बीच में आए, बड़ी कीमती साथी हैं, यह हम सबकी खुशनसीबी है जो आज यहाँ पर लारी पार्क में यहाँ तशरीफ लाए हैं। आप लोग इनका तालियों से इस्तकबाल करें। अली भाई जिंदाबाद, अली भाई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। यहाँ पे मौजूद मेरे बड़ों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। विधायकी के चुनाव में मेरे वालिद यहाँ आपके बीच आए थे, और यहाँ आने पर ये महसूस हुआ, ये एहसास हुआ कि आप लोगों की इतनी मोहब्बत मिली, उसका बहुत शुक्रगुजार है। और ऐसा लग रहा था कि आंख बंद करके आप लोग यहाँ से हमें विधायक बना देंगे, लेकिन आपको मालूम है कि ये लोग जो किसी मुसलमान को बड़ा नेता, कोई एक बड़ी पर्सनालिटी बन जाने से डरते हैं, वो ये डर गए भीड़ देखकर कि अतीक अहमद इतने बड़े नेता हैं। अच्छा, ये लोग जानते हैं कि अतीक अहमद जैसा आदमी अपने मनमर्जी का मालिक है। जब तक मुलायम सिंह थे उनकी मनमर्जी चलती रही, मुलायम सिंह उनको रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन इनको अंदर ही अंदर तोड़ो अब, क्योंकि नहीं तोड़ोगे तो ये जिस सीट पे विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, उसके अगल बगल की 500 सीट पे अपने मन मर्जी का काम करेंगे, हक के लिए लड़ेंगे, जहां गलत होगा कूद पड़ेंगे, न सोचेंगे कि 4 साल की जेल होगी कि 5 साल की जेल होगी, कि सरकार खिलाफ होगी कि क्या होगी। इनको सिर्फ वही लीडर चाहिए, वही नेता चाहिए जो इनकी गुलामी करे, इनकी हाँ में हाँ भरे, इनके कहने पर चले, इनके हिसाब से काम करें। आज आप बताइए, दिल पे हाथ रख करके पूछिए कि पूरे हिंदुस्तान में, अभी उत्तर प्रदेश की अगर बात करिए, तो कौन सा ऐसा नेता है जो सच बोलता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा हमको लगता है कोई सच नहीं बोलता। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक लौता ऐसा लीडर नहीं है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए काम कर रहा हो, जो दबे कुचली माइनॉरिटी है उनकी आवाज को उठाने के लिए बात कर रहा हो, कोई ऐसा लीडर नहीं है। ये जो 7% वाले, 3% वाले, 11% वाले, ये लोग अपने लोगों को मजबूत करते हैं, फिर हमको आपको इनके पास जाना पड़ता है टिकट लेने के लिए, और हम देखते हैं कि ये फला सीट पे कितने हैं, इस सीट पे ये इतने हैं, तो हम यहां मेहनत करेंगे, इनका वोट तो मिलना ही मिलना है, हमारी सीट निकल जाएगी,
हमारा काम बन जाएगा। और हम कितने हैं? हम हैं 21%। क्यों नहीं हम अपनी एक पार्टी बनाते हैं? क्यों नहीं हम एक छत के अंदर आते हैं कि वो हमारे पास आए, हमारे पास आकर के देखें कि यहां इस जगह पर मुसलमान इतना है, मुसलमानों का वोट इस पार्टी को मिलेगा और मैं विधायक बन जाऊंगा। यूपी में अगर आप इकट्ठा हो गए तो आपके बिना सरकार नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है। और ये चाहे जितना सर पटके, ये चीज सर्वे कहता है कि बीजेपी को न मुसलमान जिता सकता है न मुसलमान हरा सकता है, जब तक के उनके खुद के लोग उन्हें नहीं हराते। बीजेपी का यह हाल है, जब तक कि उनके खुद के लोग नहीं एहसास कर लेंगे कि पूरे देश को बेचे डाल रहे हैं, हमें सरकार बदलनी पड़ेगी, तब तक के बीजेपी नहीं जा सकती। हमारे बड़े आज इस उम्र पे चले आए हैं, बेशर्त अपना वोट देते देते चले आए हैं, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को। हमारी, हम नौजवानों की भी उम्र चली जाए इसी तरह, हम जो नौजवान हैं इसी तरह 5 साल फिर दे दें वोट कि बीजेपी ना आने पाए, बीजेपी ना आने पाए। क्यों नहीं हम अपना एक लीडर चुनते हैं? क्यों नहीं हम लोग एक लीडर चुन लेते हैं? कुरान कहती है कि अगर सफर पे निकले हो तो अपना एक अमीर चुन लो। और हम आज 70-75 सालों से सियासी सफर कर रहे हैं और हमने अपना एक अमीर नहीं चुना। आज जो मुसलमान भुगत रहा है वो खुद की गलतियों के वजह से, क्योंकि अपना एक कायद नहीं चुना, अपना एक लीडर नहीं चुना। जो गलियों में सड़क पर सताया जाता है उसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है, हर किसी का एक लीडर है, उनके उनके कारवां के रहबर हैं। हमारा आपका कौन है? कोई है हमारा आपका? हमको आपको जाना पड़ता है, किसी को अपना भैया बनाना पड़ता है, किसी को अपना चाचा बनाना पड़ता है, किसी को अपना ताऊ बनाना पड़ता है कि हमारा ये वाली फाइल है, इस पर साइन करो, ये हो जाए। हमको आपको कायदे से पैसा देना पड़ जाता है कि हमारा ये वाला काम हो जाए। जब हमारी हिस्सेदारी होगी, जब हमारी 100 सीट 150 सीट होगी यहाँ पर, तो हमारे मनमर्जी का काम होगा। हम कहेंगे कि हमारे फला थाने पर फला ऐसो होगा तो फला ऐसो होगा, हमारे शहर का डीएम मुसलमान होगा तो मुसलमान होगा, लेखपाल मुसलमान होगा तो मुसलमान होगा, नौकरियां निकली हैं तो इतना परसेंट मुसलमान होगा, तब हमारा आपका काम होगा। हम आप सताए जाएंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा आदमी जो आज सदन में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, मीडिया से हमारी आपकी बात लड़ता है, हमारे आपके लिए यूएन तक जा सकते हैं, बैरिस्टर है वो, इतना मैंने लीडर, ऐसा अपडेटेड, ऐसा लर्नेड लीडर मैंने नहीं देखा। अब क्या मेरे वालिद 5 बार के विधायक, 1 बार के सांसद हैं, बेवकूफ़ हैं? उन्होंने खुद कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना लर्नेड, इतना अप टू डेट ऐसा लीडर मैंने नहीं देखा जो हमारे आपके लिए लड़ रहा हो। हम दूसरों को मजबूत करते चले आए। आपसे गुजारिश है कि आप अपने भाई को चुनिए, ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके लिए लड़ रहा है, ऐसे आदमी को न चुनिए कि जो आपसे पीछा छुड़ाता हो। वो आपसे पीछा छुड़ा रहे हैं, हमको आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, माने ये कहीं जाने ही नहीं वाले हैं। इनको चाहे मारो, चाहे पीटो, चाहे दुत्कारो, चाहे जो करो, ये कहीं नहीं जाएंगे। हम आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हैं। ये लोगों ने हमको लोग को अछूत बना दिया है। अपने आप को अछूत समझते हो आप? दबे कुचले हुए हो, इस बात को एहसास करिए। ये फिरका परस्त ताकतें, ये सेक्युलरिज्म का लिबादा ओढ़े हुए हैं। जिस टाइम ये लिबादा उतर जाएगा ना, ये बीजेपी से खतरनाक हो जाएंगे। जिस टाइम इनको ये एहसास हो जाएगा कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं मिलने वाला है, ये बीजेपी से खराब हो जाएंगी। ये सब एक एजेंसी, इसको समझिए, यहूदियों की, ये यहूदियों की पॉलिसी पे चलने वाली एजेंसी है, इसको समझिए। हम आप क्यों नहीं इन्हें बी टीम कह देते, सी टीम कह देते हैं? जो 21-22% है, हम बी टीम मान भी लेते हैं। मुनाफिकों को आपके बीच में भेजा जाता है, कयामत करीब है, मुनाफिकीन बढ़ेंगे, इस बात को एहसास करिए। अपना एक कायद चुनिए, नहीं बहुत बड़ा खतरा है, जो नहीं है साथ में, जो किनारे हैं, सब पे खतरा मंडरा रहा है, ये खतरा बढ़ता चला जाएगा। इसको एहसास करिए कि आपकी आवाज़ इंटरनेशनल लेवल पे उठाना बहुत ज़रूरी है, और हम मुसलमानों को इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा लर्नेड,
इससे ज्यादा काबिल लीडर हमको आपको नहीं मिलेगा। जब ये शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब न रहेंगे तब एहसास होगा कि जो आवाज उठती थी वो भी नहीं उठ रही है, और लोगों को मौका मिलेगा कि वो नहीं है आज, आज इनको चाहे जैसे घुमा दो। हमको आपको जरूरी है इस बात को एहसास करिए, आज नहीं होगा तो 15 साल बाद होगा, कि हम सब कितने बड़े खतरे में हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी आपकी हक की बात होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों से गुजारिश है कि 12 तारीख को आइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान को, उनके ख्याल को सुनिए। रसूलल्लाह की बात सच्ची थी, अच्छी थी, फैल गई। बैरिस्टर साहब की बात सच्ची है, अच्छी है। दिल पे हाथ रख के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ सच्ची है। तो जब सच्ची है आपके अपने कलमा वो भाई की बात, तो क्यों नहीं उसको बढ़ाते हो, क्यों नहीं सुनते हो? एक बार कान आँख दिल खोल के सुन लीजिए, अपने भाई का साथ दीजिए, अपने भाई को मजबूत करिए। जब हमारी सरकार होगी तो हमारी बात होगी, हमारे हिस्सेदारी की बात होगी, हमारे एजुकेशन की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।